क्या हिमांशी खुराना से माफी मांगेंगी अब शहनाज गिल? क्या उन्हें हिमांशी खुराना से अब दोस्ती करना है? क्या उन्हें हिमांशी से अब अपने रिश्ते सही करने हैं? और आखिर ये बात कैसे उठी, चलिए आपको ये बताते हैं। दरअसल हाल ही में शहनाज गिल के शो देसी वाइब विद शहनाज गिल में पहुंची ओम शांति से शिवानी दीदी, और यहाँ शो में शहनाज ने जो शिवानी दीदी से सवाल किया वो कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जाने लगे कि हिमांशी खुराना से जुड़ा हुआ है। यहाँ शहनाज ने कहा, अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो ऐसे में हम उनसे माफी भी मांग ले। लेकिन इसके बाद भी लोगों का एटीट्यूड बढ़ता जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके जवाब में शिवानी दीदी ने शहनाज गिल को कहा, जुबान से नहीं आत्मा से माफी मांगो। आप ये सोचो कि जिससे आप माफी मांगना चाहते हो वो आपके सामने है और आपसे बात कर रहा है, तब आप नहीं बल्कि आपकी ईगो और उनका हर्ट आपसे बात करेगा। शिवानी दीदी ने कहा कि जब हम बात करते हैं तो हमारी ईगोज बीच में आ जाती है और इसी को ही कहते हैं ईगो क्लैश। लेकिन अगर जब आप आत्मा से एनर्जी भेजोगे तो वो एनर्जी उसके पास जरूर पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ हमें उस इंसान को हील करना है जिसे हमने हर्ट किया है। शिवानी दीदी ने आगे ये भी कहा कि जब वो सो रहा हो तो मेडिटेट करो और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो और उस वक्त उनसे माफी मांगो, क्योंकि उसके साथ उसकी ईगो भी सो रही होगी और फिर देखना तुम्हें माफी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इससे ये बात तो साफ है कि शहनाज अपने रिश्ते किसी के साथ भी बिगाड़ के बिल्कुल नहीं रखना चाहती है। तो ऐसे में आपको ये एपिसोड कैसा लगा और शिवानी दीदी के जवाब कैसे लगे, आपको ये हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।